अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो मज़र करता हूँ, काफ़ी अरसे से मैं YouTube पर कोई वीडियो नहीं डाल रहा था एडिटिंग टॉपिक पर। उसकी वजह ये थी कि आप लोगों से मुझे कोई ख़ास तवज्जो नहीं मिल रही थी, जिस वजह से मैं फ़ोटो एडिटिंग नहीं कर रहा था। तो जो लोग तवज्जो दे रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, उन लोगों ने बार बार मतलब बोला कि यार फिर से आप यूट्यूब पर आ जाओ, वीडियो बनाना स्टार्ट कर दो, हम आपके साथ हैं। तो मेहरबानी होगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ आप लोगों की खातिर, आपको फ़ोटो एडिटिंग सिखाता हूँ, बदले में यार थोड़ा बहुत आप भी सपोर्ट किया करो। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, मतलब फ़ोटो एडिटिंग, वीडियो कहीं ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो आज मैं एडिटिंग करने वाला हूँ इस वाली फ़ोटो को, ये देख सकते हैं आप, ये रियल फ़ोटो है, ओरिजिनल फ़ोटो है, इसको आप देख सकते हैं, ना कोई ख़ास HD है और ना कोई खास है, ना कोई खास बैकग्राउंड है इसका। तो मैं इसको HD करने वाला हूँ इस तरीके का। ओए होए होए, देखें कितनी कमाल की बनी हुई है, कहीं से भी ये फेक नहीं लग रही, बताओ किसी को ये फेक लग रही है। और ये फोटो मैंने बनाई है एक एप्लीकेशन की मदद से, वो भी AI के जरिए। ये देखें, उस एप्लीकेशन ने इसको HD भी किया है, इसके हेयर वगैरह भी लगाए हैं, मतलब कि इसका बैकग्राउंड चेंज किया है, इसका फिल्टर किया है, इसका फेस स्मूथ किया है, इसके अंदर सब कुछ एक ही एप्लीकेशन की मदद से मैंने किया है। तो ये एप्लीकेशन कौन सी है, तो इस तरह की फ़ोटो एडिटिंग कैसे करें, तो ले चलता हूँ आपको फिर उसी एप्लीकेशन पर जिस पर मैंने ये बनाई है। फोटो एप्लीकेशन का मतलब नाम है फोटोलीप, ये देख सकते हैं ये वाली एप्लीकेशन है, ये आपको प्ले स्टोर से इजीली मिल जाएगी। तो इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूं, आपको इसका तरीकाकार बता देता हूं कि इसको यूज़ कैसे करना है। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूं, ओपन करने के बाद आपको यहां पर AI के मतलब बहुत सारे टूल मिलेंगे, लेकिन इनके बारे में किसी और दिन डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं आपको एडिटिंग सिखा देता हूं। अगर मेरे एडिटिंग सिखाने के तरीके से आज आपको समझ ना आए तो मैं एडिटिंग छोड़ दूंगा। आज आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाला हूं। जिस भाई को समझ आ जाए, जिसने मेरी वीडियो पूरी वॉच की हो, तो वो मुझे कमेंट में ज़रूर डन लिखे। तो एडिट फोटो पर क्लिक कर लेता हूँ, तो ये वाली ओरिजिनल फोटो है, इस पर क्लिक कर लेता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा पहले आपको मतलब इस एप्लीकेशन के बारे में मैं समझा देता हूँ। तो इसके अंदर आपको बहुत सारे टूल मिलेंगे, ये देख सकते हैं बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन मैं कुछ चंद टूल्स के बारे में आज जिक्र करूँगा। तो सबसे पहले स्काई के बारे में जिक्र करूँगा, इसके अंदर आप स्काई चेंज कर सकते हैं। अगर आपकी फ़ोटो में पीछे स्काई वगैरह है तो वो चेंज हो सकता है, वो ईजिली हो सकता है बिल्कुल रियल तरीके से। दूसरा ये कटआउट है, इसमें अपना बैकग्राउंड सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब पीपल मतलब यहाँ पे से बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। और तीसरी बात ये ऑटो, ये वाला क्या सीन है इसका मुझे भी नहीं पता। हाँ, ये थोड़ा कलर वगैरह मतलब करने, इसको छोड़ दें, ये फजूल है। तो तीसरी बात ये रिमूव, इस पर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे मतलब जो चीज़ आपको नहीं चाहिए बैकग्राउंड में, उस पर ऐसे सर्कल करके उसको रिमूव कर सकते हैं, वो भी ईजिली, ये देख सकते हैं, मतलब क्यों नहीं काम कर रहा। अच्छा, इसको भी छोड़ दें, जो मेन चीज़ है मेन वो तुझे बताने वाला हूँ। इसका एडजस्ट वो क्या होता है, बैक आ गया है, फिर मैं सिलेक्ट करता हूँ इसका। अब एडजस्ट मैं आपको समझा देता हूँ, एडजस्ट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर ये ज़बरदस्त चीज़ दी गई है इसमें, इसके अंदर ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। मतलब आप बैकग्राउंड को खाली एडजस्ट करना चाहते हैं, अगर आप खाली बैकग्राउंड को एडजस्ट करना चाहते हैं पीछे, या अपने जिस्म को मतलब बंदे को एडजस्ट करना चाहते हैं, अलग से भी कर सकते हैं, सब साथ में भी कर सकते हैं। अब ये सिलेक्ट हुआ है आल पर, तो आल को छोड़कर मैं सिलेक्ट करता हूँ बैकग्राउंड पर। अब मैं बैकग्राउंड की एडजस्टमेंट वगैरह मतलब सेट कर सकता हूँ, ये देखें, बढ़ा भी सकता हूँ, जो करना चाहूँ मैं इसको कर सकता हूँ, सिचुएशन को इसको मैं ब्लैक भी कर सकता हूँ, ये देख सकते हैं आप। लेकिन इसको मैं छेड़ूंगा नहीं, लेकिन इसके बारे में सिर्फ आपको बता रहा हूँ। तो इसकी ह्यू पे जाके मैं कलर को चेंज भी कर सकता हूँ, हमारे मतलब बंदे पर कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो इसको भी फिलहाल छोड़ देते हैं, सिर्फ आपको समझाना था वो मैंने समझा दिया है। तो अब चले आते हैं सबसे पहले फेस स्मूथ और फोटो को HD करने के बारे में। तो लास्ट में चला आता हूँ, यहाँ पे इनहेंस वाला ऑप्शन आपको नज़र आएगा,
इस पर क्लिक करेंगे ये थोड़ी बहुत लोडिंग करेगा, मतलब प्रोसेस करेगा थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं करेगा। तो ये इसकी रेजोल्यूशन सेट हो रही है, तो आपने थोड़ा सा वेट करना है। रिमनी से भी बेस्ट है, मैं रिमनी ऐप के बारे में आज कोई बात नहीं करने वाला, ये रिमनी से भी बेस्ट है और उससे मतलब क्वालिटी भी अच्छी होती है, कोई ऑटो कलर ग्रेडिंग भी नहीं होती, रिमनी में ऑटो कलर ग्रेडिंग आ जाती है और उसमें बहुत सारे मतलब 30 सेकंड, 35 सेकंड, 40 सेकंड का भी कभी कभी ऐड देखना पड़ जाता है, ये उससे भी बेस्ट है। तो ये देख सकते हैं आप, इसको मैं जूम करता हूँ, ये देखें कितने ज़बरदस्त तरीके से इसने इनहेंस किया है, आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखें ज़बरदस्त तरीके से इसने इनहेंस किया, कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। अब इसको मैं यस कर लेता हूँ। अब यस करने के बाद जो मज़े की चीज़ है इसके अंदर वो है AI बैकग्राउंड चेंज। आप बैकग्राउंड कोई अपनी मर्जी का इसका लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं, इधर बैकग्राउंड चेंज भी कर सकते हैं, इसको ऐसे घुमा के मतलब इसमें चेंज भी कर सकते हैं इजीली। लेकिन मैं जो चीज़ बताने वाला हूँ वो है AI बैकग्राउंड्स, ये लिखा हुआ है, इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। इस पर क्लिक करता हूँ, जैसे ये देखें ये बैकग्राउंड जो स्ट्रीट लिखा हुआ है ये वाला बैकग्राउंड सर्चिंग हो रहा है, ये रिमूव हो जाएगा, अभी चेंज हो जाएगा, आपको दिखा सकता हूँ। ये देखें कितने अच्छे तरीके से चेंज हो गया है, लेकिन इसने बाल भी मेरे बढ़ा दिए। इसमें आपको बहुत सारे बैकग्राउंड मिलेंगे, ये ग्रेसी वाला ये भी आपको दिखा देता हूँ चेंज करके। लेकिन हम अपनी मर्जी का इधर कैसे लगा सकते हैं, अपनी मर्जी से मतलब सिलेक्ट करके, ये देखें कितना रियल लग रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त। अपनी मर्जी का लगाने के लिए आपने क्लिक करना है इधर कस्टम पर, फिर नीचे कस्टम पे क्लिक करना है, यहाँ पर लिखता हूँ। तो मैंने लिखना है मतलब पहाड़ों वाला हो, सीन हो, सनसेट वाला सीन हो, तो मैं लिखता हूँ यहाँ माउंटेन ब्लर, ब्लर ब्लर बैकग्राउंड विद SUNSET विद सनसेट, इसको मैं सर्च कर लेता हूँ। तो ये लोडिंग कर रहा है, ये देखते हैं अब क्या चीज़ लाता है। तो ये देखें ज़बरदस्त बैकग्राउंड लेकर आया है, लेकिन इसमें ब्लर नहीं है। मैं फिर से सर्च करता हूँ BLUR ब्लर मोन MOUN माउंटेन बैकग्राउंड विद सनसेट। मेरी इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर है ना, इसलिए ब्लर वाला सीन नहीं आ रहा और वो बैकग्राउंड नहीं आ रहा जो मैं मंगवाना चाह रहा हूँ। ये देखिए अब आ गया है, ये देखें कितना। अब मैं इस पर दोबारा क्लिक करता हूँ, ये दोबारा चेंज होकर आएगा, क्या पता हमारे बाल भी सेट हो जाएं दोबारा। ये देखें दोबारा और आ गया है, अगर फिर भी आप इस पर दोबारा क्लिक करेंगे फिर और आ जाएगा। इस तरह से बैकग्राउंड आते ही रहेंगे, आप अपनी मर्जी से कोई भी लगा सकते हैं। तो ये देखें अब ये ऐसा आ गया, कितना ज़बरदस्त और रियल लग रहा है। तो इस पर क्लिक करने के बाद फिर एडजस्ट पर आ जाता हूँ, यहाँ पर इसकी थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट कर लेता हूँ ताकि हमारी फ़ोटो बिल्कुल इसके मुताबिक हो जाए। शार्पनेस को बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं बढ़ाना। तो ये भी बढ़ गई, अब वीकनेट वाला कहाँ है, वो इधर नहीं है। तो ये देखें हमारी फ़ोटो कितनी HD और कितने ज़बरदस्त तरीके से इसका बैकग्राउंड चेंज हो गया है। अगर मज़ीद मेरी ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। अगर मेरी वीडियो की आपको समझ आती है तो ठीक है, नहीं तो अभी अनसब्सक्राइब करके चले जाएं। अगर आपको समझ आई है तो कमेंट में डन लिखें। शुक्रिया।